जय श्री मन्नारायण, जय पुष्करराज महाराज की। आप दर्शन कर रहे हैं पुष्करराज के 52 घाटों के। इस समय पुष्कर में ब्रह्मोत्सव अर्थात पंच दिवसीय जो मेला भरता है उसके चौथे दिन के अर्थात चतुर्दशी ब्रह्मा चतुर्दशी के ब्रह्मा जी के इस तीर्थ पुष्करराज सरोवर के दर्शन। ये वीडियो आपको कल कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा यानी कि 8 नवम्बर को जो चंद्र ग्रहण हो रहा है उसके बारे में, क्या समय है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अजमेर वाले समय के अनुसार प्रातःकाल सुबह 5:42 पर सूतक लग जाएगा एवं शाम को ग्रहण स्पर्श अर्थात जो पर्व काल है वो चंद्र उदय जिस समय है, चंद्र भगवान जिस समय कल उदय हो रहे हैं वह समय है शाम को 5:42। उस समय ग्रहण स्पर्श होगा और ग्रहण का मोक्ष का समय हो 6:19। आप सभी से, श्रद्धालुओं से, धर्मावलंबियों से, सनातन धर्मावलंबियों से निवेदन है इस समय खूब जप तप भजन कीर्तन करें, भगवान का सुमिरन करें, किसी तीर्थ पर जाकर करें तो सर्वश्रेष्ठ। तीर्थ नहीं हो तो किसी तालाब, किसी सरोवर, वो नहीं हो तो किसी बावड़ी पर, वो भी नहीं हो तो किसी कुएं पर, अथवा वह भी आपको पास में कोई समस्या हो तो आप अपने घर के देवालय में या किसी आसपास में मंदिर तीर्थ क्षेत्र में जाकर के आप जितना ज़्यादा जप तप भजन कर सकें उतना अति उत्तम होगा। देखिए ग्रहण के समय किया होगा मंत्र का जो जाप होता है वह मंत्र सिद्ध हो जाता है, उस मंत्र का पुरस्चरण हो जाता है, लाखों करोड़ों जप करने के पश्चात जो पुण्य प्रदान प्राप्त होता है वह पुण्य इस ग्रहण के काल में हो जाता है। ग्रहण काल होता है अक्षय पुण्य काल का समय। तो याद रखें किसी तीर्थ में जाते हैं तो कटी पर्यंत नाभि पर्यंत खड़े होकर के, जल में खड़े होकर के आप जप करते हैं अति उत्तम। अर्थ अन्य अगर शारीरिक कोई परेशानी हो तो तीर्थ के किनारे पेड़ी पर बैठ करके वहाँ पर भी आप जप तप भजन कर सकते हैं। साथ ही ये ध्यान रखें कल जब सुबह 5:42 पर सूतक लग जाता है तो अपने घर के देवालय में, रसोई में दूध दही घी वगैरह अन्न वगैरह जहाँ पड़ा रहता है उन सब पर आप कुशा रख दें, तुलसी दल रख दें, कुशा को हम डाब भी कहते हैं, तो तुलसी और कुशा वहाँ पर रख दें ताकि वो चीज़ अशुद्ध नहीं होती है। साथ ही घर में अगर आपने कोई मिट्टी के बर्तन जैसे मटकी हो तो उन चीज़ों को आप पहले ही बाहर रख दें और उनके हाथ नहीं लगाएं क्योंकि ग्रहण काल में ये सब चीज़ें अशुद्ध हो जाती है। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें, खूब भजन करें, भाव करें, दान करें, जब तब करें। तीर्थराज पुष्कर में अगर आप पधारें तो आपका स्वागत है। वैसे कल पूर्णिमा है, मेले का अंतिम दिवस है और यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्तगण आएंगे, नो डाउट। मैं हूँ रवि शर्मा, जिन्हें यूट्यूब के पंडित जी के नाम से भी जाने जाते हैं। पुष्कर सरोवर पर प्रधान बरा घाट जो है वहाँ पर हमारे यहाँ से आप सामने देख रहे हैं पुष्कर सरोवर की पूजा आराधना होती है और सायंकाल महाआरती की जाती है। ये वो स्थान है, यहाँ पर आप पधारें और शाम को भगवान पुष्करराज महाराज की आरती के, भव्य आरती के दर्शन लाभ भी उठाएं तो आपका इंतज़ार रहेगा। पुष्कर आ रहे हैं तो वराह घाट पर मैं आपको अवश्य मिलूँगा। आपका स्वागत है, अभिनंदन, कोटिश वंदन। जय पुष्करराज की, जय श्री मन्नारायण। पुष्कर में किसी कार्य विशेष से पधार रहे हैं, कोई कार्य सिद्ध करना हो तो यदि आपको मेरे नंबर चाहिए तो मेरे नंबर है 9414152 87। पुनः आप सभी को जय श्री मन्नारायण, जय पुष्कराज की। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपा करके इसे अत्यधिक शेयर करें इष्ट मित्रों को। और पुष्कराज अगर पधार रहे हैं तो दास आपका स्वागत करने के लिए उत्सुक रहेगा। ये है वराह घाट जहाँ से अभी आप श्रद्धालुगण दर्शन कर रहे हैं, भगवान पुष्कराज महाराज का पूजन अर्चन वंदन कर रहे हैं। जय पुष्कराज की।